नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NK क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर प्रश्न पत्र, वो भी हल सहित। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का पेपर 18 अप्रैल को होगा, तो इस वीडियो में हम आपको वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर के प्रश्न पत्र आज हम आपको कराएंगे, जो कि आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी, तो आप इनको अच्छी तरह पढ़ के जा सकते हो। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है आपका, 1929 का कांग्रेस अधिवेशन निम्न में से कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन है आपका इलाहाबाद, कलकत्ता, लाहौर, मद्रास। तो इसका ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। तो अब देखते हैं सेकंड प्रश्न, जर्मन बलूत किसका प्रतीक है? आज़ादी, शांति का चाहा, एक नए युग का सूत्रपात, बहादुरी। तो इसका ऑप्शन दे राइट आंसर हो जाएगा बहादुरी। तो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को। तो इसका ऑप्शन बे राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन है आपका, लोहे अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग्य, प्रवाह, जैव, अनवीकरण योग्य। तो इसका ऑप्शन दे राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाँचवा, इनमें से किस राज्य में मरुस्थली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है आपको 1974 में, 1973 में, 1975 में, 1976 में। तो इसका ऑप्शन बे राइट आंसर हो जाएगा 1973 में। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? ऑप्शन है 1948, 1949, 1950, 1951। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1948। तो अब देख आपका जो आठवां प्रश्न हुए है, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्से में बांटा गया है? ऑप्शन ए दो, ऑप्शन बे तीन, ऑप्शन से चार, ऑप्शन दे पाँच। तो इसका ऑप्शन बे राइट आंसर हो जाएगा, तीन भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं नवा प्रश्न, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं मिलना। तो इसका ऑप्शन बे राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, मध्य आय वर्ग वाला देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन, जापान। तो इसका ऑप्शन बे राइट आंसर हो जाएगा, भारत। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, औद्योगिक क्षेत्रक कहाँ कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, चतुर्थ क्षेत्रक। तो इसका ऑप्शन बे राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है? तो इसका ऑप्शन है आपका उदारीकरण, निजीकरण, राष्ट्रीयकरण और वैश्वीकरण। तो इसका ऑप्शन दे राइट आंसर हो जाएगा, वैश्वीकरण। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले।